फिरोजाबाद में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण हो जाए उसको लेकर फिरोजाबाद पुलिस लगातार गंभीरता से काम कर रही है। इसी गंभीरता के चलते पुलिस ने थाना उत्तर क्षेत्र और थाना मक्खनपुर क्षेत्र में चल रही अवैध असले बनाने की 3 फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये 4 लोग बहुत ही शातिर किस्म के बदमाश है जो कि तमंचे बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं, यहाँ तक कि राइफल भी बनाकर बेचते हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 राइफल और 38 तमंचे बरामद किए हैं। इनसे पूछताछ कर रही है इतनी भारी मात्रा में राइफल और तमंचे किसको बेचने की फिराक में थे। देखिए, जैसा कि आप लोगों को यह संज्ञान में है कि जनपद फिरोजाबाद की पुलिस लगातार अपराधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास में बहुत सारी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। उसी के संदर्भ में अवैध रूप से असलहों की जब बरामदगी हुई तो उसके पीछे टीमें लगाई गई कि ये असलहे बन कहाँ से रहे हैं। इसके आधार पर कार्रवाई शुरू करते हुए विगत दिनों में भी कुछ अवैध असलहे बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है और आज थाना उत्तर और थाना मक्खनपुर में कुल 3 फैक्ट्रियों को पकड़ा गया जहां अवैध असलहे बनाए जा रहे थे। कुल 40 असलहे बरामद हुए हैं जिसमें 2 राइफल हैं और शेष तमंचे हैं। इसके साथ ही बहुत भारी संख्या में ये अवैध असलहे बनाने के उपकरण, अवैध असलहे बनाने की मशीनें और 4 व्यक्ति जिनके नाम क्रमशः शोभित, सुभाष, राहुल और बिल्ला हैं जो उत्तर थाने के रहने वाले हैं, इनके द्वारा मक्खनपुर और उत्तर में यह कार्य किया जा रहा था। इनकी जानकारी, इनसे पूछताछ करने पर बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली है, कहां सप्लाई करते थे और इस काम में कौन कौन लिप्त हैं। कुछ लोगों के और भी नाम प्रकाश में आए हैं इनके द्वारा बताने के आधार पर। पुलिस लगातार इस पर अब काम करेगी और ऐसे तत्व जिनके नाम प्रकाश में आए हैं यदि वास्तव में संलिप्त होंगे तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें ध्यान देने की बात है कि चुनाव के दौरान इस तरह की चीज़ें शंका जरूर जाहिर करती हैं कि इनका दुरुपयोग न होने पाए, तो हर प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए जनपद फिरोजाबाद की पुलिस पूरे मनोयोग से तत्पर है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, प्ले स्टोर पर जाकर क्या ये न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए।